तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में एडवेंट ड्रॉप के बारे में, 91.4 एमजी ड्रॉपर के बारे में जानेंगे भैया किस टाइप का होता है, कितने बड़े बच्चे में दिया जाता है, इसकी क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट करता है, कितने दिन तक देना है। सो वीडियो पूरा देखेगा, सब कुछ जानेंगे एडवेंट ड्रॉप के बारे में। तो दोस्तों एडवेंट ड्रॉप एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का, ये ड्रॉप में आता है, इसके साथ एक अमल का ड्रॉपर आता है, पानी आता है और पाउडर आता है। उस पानी को उस पाउडर में आपको मिक्स करना पड़ता है पूरा और अच्छे से शेक करके बच्चे को दिया जाता है। लेकिन देखिए इसका जो यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है। जैसे कि बच्चा अगर 1 महीने का है, बच्चा 2 महीने का है, बच्चा 5 महीने का है, बच्चा 9 महीने का है, 10 महीने का है, 1 साल का है, तो 1 साल से छोटे बच्चों में जो इन्फेंट बेबी होते हैं ज़्यादातर उनमें इसका यूज करते हैं। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी सलाह से दिया जाता है, उनकी देख रेख में दिया जाता है। आप कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। वीडियो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वीडियो देख के बच्चे को दे दो। किसी का वीडियो देख के बच्चे को नहीं देना है, सिर्फ डॉक्टर ने दिया तभी देना है, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट क्या है वो ज़रूरी होता है देखना, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है तो ये देखा जाता है। तो भाई 91.4 एमजी इसके अंदर ये क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है एमोक्सिसिलिन जो कि 80 एमजी में है, दूसरा आता है कैलिवोलेनिक एसिड जो कि 11.4 एमजी में आता है, इसलिए इसको 91.4 एमजी कहते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब भाई ये क्या होते हैं? तो भैया एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है, बैक्टीरिया को मारकर काम करता है, और कैलिवोलेनिक एसिड बीटा लैक्टामाइज होता है, एक तरह का एंटीबायोटिक ही होता है, लेकिन ये बीटा लैक्टामेज होता है, यानी जो लैक्टामेज होता है उस एंजाइम्स को ये ब्लॉक करता है बनने से। एक्चुअली क्या होता है, जब एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया पे हमला करता है ना, तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए लैक्टामेज नाम का एक एंजाइम बनाते हैं जो कि एमोक्सिसिलिन के लिए नुकसानदायक होता है, एमोक्सिसिलिन को स्लो कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया बच जाते हैं। यानी लैक्टामेज एक सुरक्षा कवच होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो कैलिवोलेनिक एसिड साथ में दिया ना, ये उस कवच को तोड़ देता है, इसलिए इसको बीटा लैक्टामेज कहते हैं। और साथ में कई बार ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एमोक्सिसिलिन इसे काम ही नहीं करती, तो अब साथ में देते हैं। अब ये बड़े लोगों में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि आप अगर आप एडवेंट टेबलेट लोगे या फिर एग्यूमेंटिन टेबलेट लोगे तो उसमें एमोक्सिसिलिन के साथ कैलिवोलेनिक एसिड साथ में आता है, तो वो इसलिए ही आता है, बच्चों में और बड़ों में दिया जाता है। बच्चों में डोज कम हो जाती है, मिलीग्राम कम हो जाता है, बड़ों में मिलीग्राम ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है। अब आते हैं भाई बच्चे को कहाँ दें। तो देखिए जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, जब दिया जाता है, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चों में कई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बच्चे के निमोनिया बन जाए, या बच्चे के कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, या बच्चे की खांसी जुकाम हो जाए, कब बाहर नहीं आ रहा है, बच्चे की कब जम गया है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या बच्चे की नाक बंद है, खांसी कर रहा है बच्चा, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, 1 महीने का 3 महीने का, तो उस कंडीशन में ये काम करती है। इनके अलावा दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके आसानी से कोल्ड हो जाता है, आसानी से फ्लू हो जाता है, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आँखों में कोई एलर्जी हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये काम कर देता है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं नहीं बन रही होती, तो वीकनेस ज़्यादा होती है बच्चों में कम इम्यूनिटी कारण, तो बच्चा जल्दी से इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो वहाँ पर बच्चे को खांसी जुकाम होना, कोल्ड होना, या फिर बुखार आना, जैसे कि टाइफाइड बुखार हो, या फिर किसी भी कारण बच्चे की बुखार हो, अगर बुखार की देने के बाद ही बुखार नहीं टूट रहा है, तो डॉक्टर वहाँ पर इसको साथ में एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। या बच्चे के कोई स्किन एलर्जी हो जाए, बच्चे के दस्त नहीं रुक रहे हैं, बच्चे की कोई पेट में इन्फेक्शन हो जाए, आँत का इन्फेक्शन हो, या बच्चे के कोई फोड़ा फुंसी होना, बच्चे की कोई दांत में या कोई मुंह के अंदर इन्फेक्शन होना, तो कई तरीके के इन्फेक्शन में काम आती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये वहीं दी जाती है जब बच्चे की खांसी जुकाम से प्रॉब्लम होती है, कफ कफ बनना, खांसी आना, नाक से पानी आना, तो वहाँ ज़्यादातर दी जाती है। अच्छा अब आते हैं भाई इसको क्या डोज दें। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा इसके अंदर एक अम्बल का ड्रॉपर आता है, दिन में 2 बार करके देना पड़ता है। अब देखिए कुछ बच्चों का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पर हो सकता है 0.5 एमएल दिन में 2 बार हो जाए, या बच्चा कई बार बड़ा होता है 1 साल का 1.5 साल का, तो वहाँ पर 1 एमएल दिन में 2 बार हो सकती है। तो इस तरीके से अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, उन्होंने पूरा एमएल बताया है या फिर कुछ बूंद बूंद करके बताया है, 20 बूंद का 1 एमएल बनता है, तो कई बार ये भी होता है कि 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से देना है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या करेगा बच्चे को जब दे दें, तो कई बार यही होता है कि बच्चे को देने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है, या बच्चे को दस्त लग जाते हैं, या कोई स्किन रैशेज आ सकते हैं। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं, काफ़ी सेफ है, ज़रूरी होती है बच्चों में देना, तभी बच्चा ठीक होता है। अगर इन्फेक्शन है तो ये एंटीबायोटिक देना ही पड़ता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। तो भैया संपूर्ण रेव था एडवेंट ड्रॉप के बारे में, यहाँ तक वीडियो नहीं मिली, बहुत बहुत धन्यवाद।